हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शर्वर और आप देख रहे हैं शर्वर फॉर यू। गाइज, आज की ये वीडियो एमडी रेडियोन की सेटिंग्स के बारे में है। और अगर आपका पीसी या लैपटॉप में अगर एमडी सॉफ्टवेयर है, एमडी ड्राइवर है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये आपको सबसे पहले आपने पीसी के स्क्रीन पर जाना है, राइट क्लिक करना है, एमडी रेडियोन सेटिंग्स दिखेगी वहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गेमिंग एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे गेमिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्लोबल सेटिंग्स एंड ओपन ब्राउजर। सो हमें ग्लोबल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सिंपली यू पे क्लिक ऑन ग्लोबल सेटिंग्स एंड राइट साइड में आपको रीसेट का बटन दिखेगा, रीसेट पर क्लिक करेंगे एंड ग्राफिक सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है, यस क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ से आपकी सेटिंग स्टार्ट हो गई। सो फर्स्ट सेटिंग जो है एंटी अलियासिंग मोड, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम यूज एप्लीकेशन सेटिंग्स पर रखते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है एंटी अलियासिंग मेथड, इसको हम मल्टीटास्किंग करके रखते हैं। थर्ड मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग, इसको ऑफ ही रहने देते हैं, जैसा कि मैं ऑफ कर दिया। नेक्स्ट जो है एनिसोट्रॉपिक फिल्टरिंग, इसको भी ऑफ करके रख देते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग्स है टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी, इसको परफॉर्मेंस पे रख के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है सरफेस फॉर्मेट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन रहने देते हैं, इसको ऑन करके आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट सेटिंग है वे फॉर वर्टिकल रिट्रेस, इसको ऑलवेज ऑफ रखते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट जो सेटिंग है ओपन जीएल ट्रिपल बफरिंग, इसको भी ऑफ रहने देंगे। नेक्स्ट सेटिंग सेडर कैश, इसको भी ऑफ ही रहने देंगे, नहीं इसको एएमडी ऑप्टिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है ट्रस्टलेसन मोड, इसको गाइस ओवरराइड एप्लीकेशन सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम ट्रस्टलेसन लेवल जो है इसको 64x कर देते हैं। नेक्स्ट जो है चिल, इसको गाइस रिकमेंड करूँगा मैं ऑफ ही रहने दें। गाइस ये सेटिंग हमारी पूरी हो जाती है। सेटिंग करने के बाद सिंपली आपको सिस्टम को रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है और आपका पीसी और आपका गेम बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, आपकी पीसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी काफ़ी हद तक। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।